महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बच्चों को अगवा कर भीख मंगवाने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 फरार है। मगर पुलिस ने बच्चों को सही सलामत बरामद कर उन्हें माँ बाप को सौंप दिया है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को मुंबई के कांजुर मार्ग में रहने वाली वर्षा कांबले की 1 साल की लड़की और 5 साल के लड़के को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। इसकी शिकायत कांजुर मार्ग पुलिस थाने में भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कुल 5 टीमें इन बच्चों को खोजने और आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई थी और 11 दिन के बाद पुलिस को कामयाबी मिली और 3 आरोपी हर्षद काले और ताराबाई काले और 1 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस घटना में शामिल हर्षद काले की पत्नी अभी भी फरार बताई जा रही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस की टीम आरोपियों को ट्रेस करते हुए ठाणे, कोल्हापुर, सांगली, अहमदनगर, औरंगाबाद तक तलाश कर रही थी और आखिरकार इन्हें सफलता मिली। दरअसल पीड़ित महिला की पहचान कुछ हफ्ते पहले ही आरोपियों से पुणे से मुंबई आते वक्त ट्रेन में हुई थी और आरोपी भी पीड़िता के साथ कांजुर मार्ग में रहने आए थे, लेकिन मौका पाकर 4 दिसंबर को बच्चों को लेकर ये फरार हो गए, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई और आरोपियों की खोजबीन शुरू हुई और आखिरकार ये गिरफ्तार भी कर लिए गए। जांच पड़ताल में पता चला है कि आरोपी बच्चों को अगवा करके दूसरे शहरों में भीख मंगवाने के लिए इनका अपहरण करते थे और इसके पहले भी उन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था और इसकी भी जाँच पड़ताल पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले में DCP जोन 7 के पुरुषोत्तम कराड ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। 4 दिसंबर को कांजुर मार्ग रेलवे स्टेशन के बाहर से 2 बच्चे, उसमें एक 5 साल का लड़का और 1 साल की लड़की थी, ये दोनों का किडनैप हुआ करके उनकी मम्मी ने कांजुर मार्ग पुलिस थाने में कंप्लेंट दिया था। वो हिसाब से IPC 363-34 के हिसाब से ऑफेंस दाखिल था, जबकि ये छोटे बच्चों का अपहरण का मामला था। जो अपहरण करने वाले लोग थे वो इनके साथ ही कुछ दिन रह रहे थे, 4-5 दिन, और उन्होंने उनको लेके गए और जबकि वो बेगिंग का काम करते थे, तो उनको थोड़ा सीरियसली लेते हुए हमने, हमारा जोन 7 मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन से 5 टीम बनाई और 5 टीम बना के थाने, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, अहमदनगर, सोलापुर, औरंगाबाद, नासिक, इन जगह पे लगातार 11 दिन हमारी टीम काम की। 11 दिन के बाद कल हमें ये दोनों भी बच्चे सुखरूप मिले और इसमें से 4 में से 3 एक्यूज को हमने ताबे में ले लिया, आज उनको अरेस्ट भी किया है। इसमें से 1 आरोपी अभी लेडी आरोपी वांटेड है, हम उसको उसका भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो तुरंत ही उसको हम अरेस्ट करवा लेंगे। अभी तक तो जो जानकारी मिली वो जानकारी के हिसाब से इन्होंने अभी तक ये किडनैपिंग के बाद उनको बेगिंग के लिए यूज़ करने के उनका प्लान था, ये पता चल रहा है। हम ये इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि इसके पहले उन्होंने ऐसा कुछ किया था या नहीं, या अदर पर्पस था किडनैपिंग पे पीछे, ये हम वर्कआउट कर रहे हैं। ये हमारा कुछ गोपनीय इन्फॉर्मेशन भी, हम जहाँ जाते थे वहाँ से गोपनीय इन्फॉर्मेशन और कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इसके थ्रू हमें वो पता चलता था, तो वो हिसाब से हम फॉलो कर रहे थे उनको। फॉलो करते करते 11 दिन के बाद हमें सक्सेस मिला। वी आर फॉर्चुनेट दैट दोनों भी बच्चे हम उनको सही सलामत उनके मम्मी पापा के हाथ दे सके, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसमें से 1 आरोपी है, उसके ऊपर चोरी के बहुत सारे केसेस है, अहमदनगर जिले से वो दरोड़ा का तैयारी इसमें भी वांटेड है, तो हम अभी और भी इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि और क्या क्या ऑफेंसेस है, वो हम इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पता चलेगा, हम बाद में आपको फिर उसका अपडेट दे देंगे।